आपने देखा नहीं? अरे सॉरी, देखकर नहीं चल सकती। अरे क्या तमीज़ है ये, आंखें बंद हैं क्या? देखिए मैं जल्दीबाजी में थी, गलती से आपको धक्का लग गया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू है कौन और तुझे अंदर किसने आने दिया? इतना बड़ा स्कूल है, जगह जगह सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, तुझे किसने रोका नहीं? अरे तू कहीं चोर तो नहीं है कि चोरी करने के इरादे से अंदर आई हो? हालत तो देखो इसकी, अरे भिखारी ने भी इससे बेहतर कपड़े पहने होते हैं। सही कह रही हो, हम तो यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आए थे, हमें क्या पता था कि इतने बड़े स्कूल में आते ही इन जैसों से पाला पड़ेगा हमारा। ऐसे तो पियोन तो नहीं लग रही, क्योंकि सरकारी स्कूल के पियोन के हालात बिना तुझसे तो 100 गुना बेहतर होते हैं। और फिर ये स्कूल तो इतना हाई लेवल का है, इतना हाई स्टैंडर्ड स्कूल, इसका पियोन भी तो उसी लेवल का होगा ना कि तुझ जैसा कोई फटीचर। कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं है इसको, देखो तो। बोलती क्यों नहीं है भाई, तुझे चौकीदार ने भी नहीं रोका इस हालत में देख के? देखने में तो कोई साफ सफाई वाली लग रही है। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं साफ सफाई वाली नहीं हूँ, मैं तो हमें समझ आ गया कि तू यहाँ पर वॉशरूम साफ करने वाली है ना? पता नहीं कैसे कैसे लोग चले आते हैं, कॉन्फिडेंस तो देखो इसका, और अकड़, वाह क्या कहने हैं। आप लोग मेरी बात तो सुनिए, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अच्छा मतलब अब तू हमें बताएगी कि हमें क्या समझना चाहिए और क्या नहीं? तो गलती करती है और ऊपर से माफी भी नहीं मांगती। तूने जानबूझकर धक्का दिया था मुझे, अभी के अभी माफी मांग वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और फिर ना वही तुझे सबक सिखाएगी। अरे मुझसे गलती से आपको धक्का लग गया था और उसके लिए मैं आपको काफी बार सॉरी बोल भी चुकी हूँ और आप लोग तब से मुझे सुनाए जा रहे हैं, आप लोग ऐसे नहीं बात कर सकते मुझसे। क्या बकवास है ये, अब तू हमें सिखाएगी कि क्या सही है क्या गलत है? जरा अकड़ तो देखो इसकी। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती अपने से हाई लेवल के लोगों से बहस करते हुए ऐसे? सुन, जितना ना तू पूरे साल में नहीं कमाती होगी उससे ज्यादा मैं अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को सैलरी देती हूँ, समझी? अरे मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैंने आपको ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब जल्दी चलिए मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मैम तुम इस फटीचर को मैम क्यों बोल रही हो? ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता भी है कि ये कौन है? मैं खूब पहचानती हूँ इन जैसे थर्ड क्लास सफाई वालों को। शायद आपको गलत फहमी हुई है, ये कोई साफ सफाई करने वाली नहीं है, ये इस स्कूल की प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल? लेकिन इनके हालात और ऐसे कपड़े क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? नहीं हमारा मतलब ये था कि इतना बड़ा स्कूल है तो यहाँ की प्रिंसिपल को ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए थे ना। ये तो प्रॉब्लम है आप जैसे लोगों की, सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते हैं, महंगी गाड़ी ब्रांडेड कपड़े। आप लोगों को लगता है कि अगर किसी ने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हैं तो वो इंसान सड़क छाप है, बहुत ही लो इंसान है ना, साफ सफाई वाला है। नहीं नहीं हमारा ऐसा मतलब नहीं था मैं। अच्छे से समझ रही हूँ मैं कि आपका क्या मतलब था और क्या नहीं। किसी को कैसे कपड़े पहनने हैं उसकी चॉइस है, कपड़ों की वजह से आप उसको थर्ड क्लास नहीं बोल सकते या उसे नीचा नहीं दिखा सकते, लेकिन आप लोग तो तब से यही कर रहे हैं। यार रियली सॉरी मैम, एक्चुअली हम लोग आपको पहचान नहीं पाए, हमें पता होता ना कि आप इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं तो हम आपसे ऐसे बोलते ही नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, अगर आपको पता होता कि मैं प्रिंसिपल हूँ तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आप लोग सिर्फ अपने से छोटे लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उससे आप लोगों को लगता है कि आप बहुत ही सुपीरियर हैं। इस दुनिया में सिर्फ आप लोग ही हैं जो क्लासी हैं। नहीं मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आए थे, पर पता नहीं ये सब अचानक कैसे हो गया। तरस आता है मुझे उन बच्चों पर जिनके माँ बाप आप जैसे होते हैं, आखिर क्या संस्कार देते होंगे आप लोग उन्हें? किसी को नीचा दिखाना, उनको उनके काम के लिए कपड़ों के लिए जज करना, क्या असर पड़ता होगा उन बच्चों पर? अरे आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं आप लोग, आप लोगों की सोच बहुत ही छोटी और बहुत ही गिरी हुई है। मतलब हमें माफ कर दीजिए, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमें पता नहीं था कि ये सब अचानक। जी मैम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी हम किसी को उसके कपड़ों के लिए नहीं टोकेंगे और ना ही नीचा दिखाएंगे। अब तो आप हमारे बेटे को एडमिशन दे देंगे ना? मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम वायदा करते हैं कि भविष्य में हम किसी को भी किसी के कपड़ों से नहीं जज करेंगे, माफ कर दीजिए और हमारे बच्चे को एडमिशन दे देंगे ना बाप? देखिए ये सब कुछ तो आपको पहले सोचना चाहिए था, स्कूल एक मंदिर की तरह होता है, यहाँ विद्या दी जाती है, यहाँ पे सब बच्चों को ना एक जैसा माना जाता है, एक जैसा ट्रीट करा जाता है, ना कोई अमीर का बच्चा ऊपर है ना कोई गरीब का बच्चा नीचे, हम किसी में कभी कोई भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए सारे बच्चे एक बराबर है। लेकिन आप तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाले लोग हैं तो आप लोग अपने जैसा स्कूल ढूंढिए ना, हमारा स्कूल आपके लायक नहीं, हमें माफ कीजिए। और आपके बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में इस साल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं।
सुमन मैम प्लीज इन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। जी मैम। मैडम सुमन मैम।